हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट मेडिको। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी में, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन के बारे में हमने देखा था इंडिया में इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन। और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह हमारे सेमेस्टर एग्जाम में 10 मार्क्स में पूछा जाता और हमारे सेशनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर फार्माकोपिया, जो कि फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, इसमें फार्माकोपिया तीनों में बहुत कॉमन है। ये बहुत ध्यान से ये लेक्चर सुनिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा सेमेस्टर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फार्माकोपिया। फार्माकोपिया पहले होता क्या है? फार्माकोपिया जैसे एक वर्ड है, एक बहुत ही अनजाना सा वर्ड है जो आया कहाँ से। तो फार्माकोपिया जो है डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड्स। हम बहुत सारे वर्ड आपने सुना होगा जो कि ग्रीक से लिए गए हैं, जो कि फार्माकोन, फार्माकोपिया इज़ डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकोन। फार्माकोन से फार्माकोपिया ले गया। फार्माकोन मीन्स होता क्या? फार्माकोन मीन्स ड्रग। फार्माकोन मीन्स ड्रग एंड पोइया जो है फार्माकोन मीन्स ड्रग एंड पोइया जो हमारा है, पोइया का मतलब होगा मीन्स टू मेक, मीन्स ड्रग को बनाना। फार्माकोपिया मीन्स हुआ क्या? ड्रग को बनाना। फार्माकोन मीन्स ड्रग एंड पोइया मीन्स टू मेक। ये एक लीगल एंड ऑफिशियल बुक है, ठीक है। ये एक किताब है, एक मोटी सी किताब है जो कि गवर्नमेंट द्वारा इशू की जाती है हर एक कंट्री में। सब कंट्री का अलग अलग, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, US हो गया, इंडिया हो गया, हर एक कंट्री का अपना अलग अलग फार्माकोपिया है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा उसका लागू किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। इट कम्प्राइजेज लिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। फार्माकोपिया के अंदर होता क्या है? तो फार्माकोपिया के अंदर हम बहुत सारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस मीन्स फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस जो होते हैं, जैसे फार्मेसी जो भी दवा बनाने में जो जो सब्सटेंस यूज हो, वो जो उस फार्माकोपिया के अंदर मेंशन रहते हैं, लिखे रहते हैं। जो दवा हम लोग यूज करते हैं, जैसे पैरासीटामोल की बात करें, तो उसका पैरासीटामोल में जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है, एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है? एक्टिव इंग्रेडिएंट मीन्स जो हम दवा खाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा दवा हम लोग जो खाते हैं वो पूरा यूजफुल होता है, उसमें कुछ मिलाया जाता है प्रिजर्वेटिव जो उस दवा को बचा कर रखता है, कुछ स्वीटनर मिलाया जाता है ताकि खाने पे ज़्यादा कड़वा ना लगे, ताकि वोमिटिंग ना आए। तो जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, जो ऐसा मेन मॉलिक्यूल जो कि सच में दवा हो और वही जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हो करें, मीन्स हमारे बॉडी में अगर खाते हैं तो वही जो हमारा बीमारी को ठीक कर दे, वही एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहलाता है। तो इसमें क्या पाया जाता है? फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, उसका फार्मूला मेंशन रहता है, डिस्क्रिप्शन मीन्स जो भी दवा है उसके बारे में, उसका फार्मूला कैसे बनाएंगे, क्या है, कहाँ से लिया गया, ये सब मेंशन रहता है किसमें? फार्माकोपिया बुक में। आगे देखते हैं, तो फार्माकोपिया में आपको एक सेक्शन मिलेगा मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ का कहने का मतलब क्या होता है? मोनोग्राफ एक कलेक्शन है डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन पार्टिकुलर ड्रग, इट्स डोजेज फॉर्म एंड मेथड ऑफ एनालिसिस। मीन्स मोनोग्राफ में ये लिखा रहता है कि आप जो दवा लिए हैं उसको लाया कहाँ से गया है, इसको कलेक्शन कहाँ से आया है, कि जो जो ड्रग, जैसे पैरासीटामोल की बात करें तो ये कहाँ से कलेक्ट किया गया, फर्स्ट टाइम इसको किसने देखा था, कितना डोज देना चाहिए, जैसे कि आता है ना 500 mg 600 mg, ये जो मेडिसिन है ये डोजेस कैलकुलेट किया जाता है, जो कि मोनोग्राफ में मेंशन किया जाता है। और एनालिसिस का मेथड मीन्स हम कैसे एनालाइज करेंगे उस चीज़ को कि किसको कितना डोज देना है, जैसे कि अगर बच्चे हैं तो बच्चे को थोड़ा कम डोज दिया जाता है, एडल्ट हैं तो उनको थोड़ा ज़्यादा डोज दिया जाता है। और मे भी ये डिपेंड करता है किसके बेसिस पे, कि सीवियरिटी कितना है, आपको जो डिजीज़ हुआ है या आपको मान लीजिए ज़्यादा बुखार है तो आपको ज़्यादा एम जी की दवा चाहिए क्योंकि आपको छोटी एम जी सूट नहीं करेगी। तो मोनोग्राफ में होती क्या क्या है, उस केमिकल का नेम क्या होगा, उसका फार्मूला क्या होगा, मीन्स उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, केमिकल नेम हो गया, जैसे पैरासीटामोल की बात करो तो उसका केमिकल नेम क्या होगा, उसका फार्मूला क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कैसा होगा, अगर पानी में सॉल्युबल है कि नहीं। ऐसा नहीं कि जो हम दवा खा रहे हैं मेरे अंदर स्टोमेक में जा रही है, पेट में जा रही है और वो सॉल्युबल ही ना हो, तो उस वो दवा किसी काम का नहीं। अगर सॉल्युबल नहीं होगा तो डाइजेस्ट एब्जॉर्ब नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो फिर हमारी बीमारी जो है वो ठीक नहीं होगी। फिर आइडेंटिफिकेशन मीन्स उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर बेसिस पे करेंगे, देखने में कैसा है, मोनोग्राफ के अंदर यही है, जो भी दवा है उसके बारे में, उसका पीएच कैसा है। पीएच क्या होता है? पीएच का मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, मीन्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मेनली फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, बोले तो अगर किसका पीएच 7 से ज़्यादा है, 7 से अगर पीएच ज़्यादा है तो उसको बेसिक कहेंगे, अगर किसी का पीएच 7 से कम है तो उसको एसिडिक कहेंगे। तो अगर एसिड है या बेस है इस पर भी डिपेंड करता है।
उसके ऐसे के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। अगर हम उसको ड्राई करते हैं मीन्स उसको सुखाते हैं तो क्या लॉस हो जाता है, क्या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट रहता है या घटता है, मीन्स उसका जो पावर है वो घटेगा दवा का या बढ़ेगा, ये सब मोनोग्राफ में लिखा हुआ रहता है। उसका डोज कितना होता है, डोज का जैसे बात किए तो ये सब मोनोग्राफ के अंदर ये सब इतना आता है, केमिकल नेम आएगा, फार्मूला आएगा, सॉल्यूबल है कि नहीं, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पीएच क्या है, उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मीन्स उसके बारे में थोड़ा लिखा। अगर ड्राई करते हैं, सुखाते हैं तो क्या कुछ घटता है, लॉस है, डोज कितना देंगे, इसके बारे में मेंशन रहता है। आगे अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोपिया, मीन्स अगर हम फार्माकोपिया की ज़रूरत क्यों पड़ा, ठीक है, तो फार्माकोपिया एक बुक थी, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो फार्माकोपिया की ज़रूरत इसलिए जो मेंटेन करे यूनिफॉर्मिटी एंड कंट्रोल द स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग अवेलेबल इन द मार्केट। ऐसे आजकल अगर फार्माकोपिया ना हो तो हम जो भी मेडिसिन किसी भी केमिकल कंपोजिशन को उठाकर हमारे जो मार्केट में है, कोई भी इंसान किसी भी ड्रग को बना सकता है, उसके नाम पर बेच सकता है, जो कि दवा गलत है। इसीलिए एक स्टैंडर्ड बुक हमारे गवर्नमेंट ने इशू किया, उसको अपॉइंट किया और उसका नाम फार्माकोपिया रखा गया। जैसे कि इंडिया का है तो इंडियन फार्माकोपिया, जिसके अंदर कौन सा सब्सटेंस लेंगे और कैसा इंग्रेडिएंट लेंगे ताकि हमारा जो दवा है वो बेहतरीन बने और जो पेशेंट पे हार्म ना करे, मीन्स उस पर साइड इफ़ेक्ट ना दे। तो कंट्रोल करने के लिए और यूनिफॉर्मिटी मतलब सब दवा जो है बराबर हो, या तो टोरेंट कंपनी बनाए या सिप्ला बनाए या फिर सन फार्मा बनाए, ये सबका दवा जो है सेम होना चाहिए। मीन्स अगर पैरासीटामोल बना रही है तो बुखार ही कम करे, ऐसा ना कि अगर टोरेंट फार्मा बना रही है तो पैरासीटामोल अगर ले रहे हैं हम तो मेरा दर्द ख़त्म हो जा रहा है या फिर मेरा कहीं पे घाव हुआ है तो वो ठीक हो जा रहा है, और सिप्ला का पैरासीटामोल से मेरा बुखार कम हो जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको यूनिफॉर्म करने के लिए मतलब बराबर करने के लिए कि आप यहाँ से खरीदो या कहीं से खरीदो, अगर आप पैरासीटामोल लेते हो तो बस आपकी बुखार ही कम करेगी, बस इसके लिए बनाया जाता है। इसीलिए इम्पोर्टेंट है फार्माकोपिया। और मार्केट में बहुत सारे एडल्टेड ड्रग अवॉइड करने के लिए, एडल्टेड ड्रग मतलब जो भी दवा है उसके रिस्पेक्ट में ख़राब दवा बनाना, जैसे कि बहुत सारी दवा आती है मार्केट में जो कि सस्ती होती है, अगर अच्छे कंपनी से लेते हैं तो वही दवा महंगी आएगी, और अगर वही कंपनी सेम नेचर का अलग से लेते हैं तो उसमें सस्ती आती है, क्योंकि उस एडल्टेड होने का उसमें चांस ज़्यादा रहता है, मीन्स उसमें टॉक्सिक इफेक्ट ज़्यादा है, उसमें ख़राबी ज़्यादा होने का चांस रहता है। वो अच्छे से नहीं बनाते हैं, वो अपना जो स्टाफ है बनाने वाले उनको बेहतर ग्लव्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, उनको बेटर कंडीशन नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो दवा ख़राब तो बनेगी। वहीं अगर कंपनी की बात करें तो उनमें एक बेहतरीन दवा बनानी है, वो जो है सभी अपना सामान को, सभी जो भी बनाने वाले हमारे मशीन है उसको अपग्रेड रखते हैं, उसको टाइम टू टाइम सर्विसिंग करते रहते हैं, इसीलिए उनका दवा थोड़ा महंगी होती है क्योंकि उसका लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा आता है। और फार्माकोपिया का इम्पोर्टेंस क्या है, जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे ड्रग के बारे में और क्या डोज देना चाहिए, मीन्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बोले तो कहाँ से दवा ड्रग आया हमारा, कितना डोज लेना है इसके बारे में, और उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसके बारे में सबसे संपूर्ण जानकारी फार्माकोपिया में दिया गया है। रेफरेंस फॉर लेबोरेटरी इंडस्ट्री एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, मींस हम लोग भी अगर आप बीफार्म में एडमिशन लिए हैं तो आप देखते होंगे अपने लाइब्रेरी में, आपके लाइब्रेरी में एक फार्माकोपिया बुक जरूर से होगी, अगर आपने नहीं देखा है तो लाइब्रेरी जरूर विजिट करें और फार्माकोपिया बुक देखें वहाँ पे, उसमें थोड़ा पढ़ें, उसमें रेफरेंस होगा लेबोरेटरी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा रेफरेंस लिया जाता है। इंडस्ट्री मान लेते कोई अगर चेंजिंग करना हो, कुछ अगर हम भूल गए हैं तो हम फार्माकोपिया उठाकर उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले सकते हैं। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जैसे कि बात किया मैंने, अपने कॉलेज के बाद कैलोज में अगर देखते हो तो उसके अंदर भी रहता है सभी जानकारी। फार्माकोपिया की बात करें तो ये जो है अलग अलग कंट्री की अलग अलग फार्माकोपिया आती है, तो अगर ब्रिटिश फार्माकोपिया है तो ब्रिटिश कहीं होगी, जैसे कि वैलिड किस में है, यूके में है, पाकिस्तान में है, ये जो है ब्रिटिश फार्माकोपिया मेनली ब्रिटिश की होती है। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया की बात करें तो ये यूनाइटेड स्टेट में होती है, मीन्स यूनाइटेड स्टेट का अपना स्पेशल फार्माकोपिया है जो कि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स की दवा ही उसमें मेंशन रहेगी, जो कि गवर्नमेंट द्वारा यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है। यूरोपियन फार्माकोपिया है, इंटरनेशनल फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स BPC भी एक बुक आती है जो कि यूनाइटेड किंगडम के लिए है, और एक इंडिया की बात करें तो इंडियन फार्माकोपिया भी है, इंडियन फार्माकोपिया जो इंडियन गवर्नमेंट रन करवाती है वो फार्माकोपिया भी मौजूद है। तो अगर हम फर्स्ट बात करें इंडियन फार्माकोपिया जो कि इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, थोड़ा सा लेंदी लेक्चर हो सकता है, आपको ध्यान से सुनना है, बस आसानी से याद हो जाएगा, थोड़ा आपको याद तो करना पड़ेगा इसमें। इंडियन फार्माकोपिया की बात करें तो इंडियन फार्माकोपिया जैसे कि रेगुलेशन होती है, आप अगर किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं
तो उसको एक अप्रूवल मिला होगा। अगर आप फार्मेसी किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो PCI से अप्रूवल मिला होगा, मीन्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अप्रूवल होती क्या है, मीन्स कोई भी चीज़ कैसे अप्रूव कर देगी, अगर उस कॉलेज विजिट करेगी उसके बारे में देखेगी कि जो भी क्राइटेरिया चाहिए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो टीचर स्टूडेंट रेशियो कैसे होगा, कितना होगा, अगर उसमें प्रॉपर लैब है या नहीं, प्रॉपर सामान है कि नहीं जिससे लेबोरेटरी हो सके सक्सेसफुल, बच्चे सीख पाएँ, प्रॉपर क्लासरूम होना चाहिए, प्रॉपर ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, तो ये एक रेगुलेशन आती है। अगर PCI जो है ये रेगुलेशन पास कर जाती है, मीन्स अगर आपका कॉलेज ये सारा चीज़ दिखा देता है, उसको जितना भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरा करती है, तो आपको PCI के द्वारा अप्रूवल मिल जाएगा, मीन्स आप अप्रूव्ड हैं, आप यहाँ पे इंस्टीट्यूशन रन करवा सकते हैं। तो उसी प्रकार IPC इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो है एक सिस्टम है, इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, हेल्थ मिनिस्ट्री और फैमिली वेलफेयर के अंदर, जो स्टैंडर्ड सेट करती है, मीन्स कि आपको जो ड्रग बना रहे हो ये जो है इतना ये चीज़ फॉलो करना चाहिए, उसमें कुछ एडल्ट्रेशन मीन्स कुछ ख़राबी नहीं होना चाहिए, उसका सिम्टम्स ना बहुत कम हो, सिम्टम्स ना के बराबर होना चाहिए, उसको लेने से कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, ठीक है, और आसानी से हमारा जो डिजीज़ है वो ठीक हो जाए, ऐसा ड्रग को मान्यता देने के लिए IPCI थी, इंडियन फार्मास्कोपिया कमीशन, जो कि दवा लेते हैं, जैसे कि हम दवा बनाते हैं या दवा बेचते हैं, तो उसको रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। अगर हम और इंडियन फार्माकोपिया के बारे में जाएं, तो फर्स्ट जो है इंडियन पहले जो है हमारे देश में मींस इंडिया जो थी वो ब्रिटिश की कॉलोनी थी, ठीक है, तो पहले तो ब्रिटिशर्स का रूल था हमारे देश में, तो हमारे देश में ब्रिटिशर्स के रूल होने के कारण पहले जो है हम लोग ब्रिटिश फार्माकोपिया को फॉलो करते थे, इसीलिए फर्स्ट ऑफिशियल फार्माकोपिया जो है इंडिया में 1868 में आया था, 1868 जो कि ब्रिटिशर्स का रूल था। हमारा देश आज़ाद कब हुआ था, 1947 में, ठीक है ना, ये तो आपको पता होना चाहिए, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन उसके पहले 1868 में जो कि ब्रिटिशर्स का रूल था, वो ब्रिटिशर्स ही हम लोग देश में फार्माकोपिया लाए थे। जो एडिट कौन किया था, एडिट ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एडवर्ड जॉन वेरिंग 1868 में फार्माकोपिया आया था इंडिया में, और एडिट कौन किया था हमारे, एडवर्ड जॉन वेरिंग, ये भी क्या है, ब्रिटिशर्स ही हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स का रूल था। प्री डिफेंस मैंने आपको बताया, फिर कॉलोनियल एडेंडम ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया 1868 में तो हमारा फार्माकोपिया आ गया, ठीक है, 1868 में हमारा फार्माकोपिया आ गया, लेकिन कॉलोनियल एडेंडम, कॉलोनियल कहा क्यों कहा गया इस पे? क्योंकि हमारा जो देश था, हमारा जो इंडिया था 1898 में भी किसका कॉलोनी था, ब्रिटिश का कॉलोनी था, इसीलिए कॉलोनियल एडेंडम। एडेंडम क्या होता है, एडेंडम मीन्स उस पे कुछ सुधार करना, एडेंडम मीन्स एक नया अमेंडमेंट, अमेंडमेंट जानते हैं, एक नया सुधार करना, कुछ गलती है तो उसको सुधार करना, तो कॉलोनियल एडेंडम ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया 1898 जो था वो पब्लिश हुआ था 1900 में पब्लिश हुआ था, मींस जो हमारा देश है वो भी तो ब्रिटिश फार्माकोपिया को उस टाइम फॉलो कर रही थी ना, तो ब्रिटिश का फार्माकोपिया को फॉलो कर रही थी, उस टाइम भी एडेंडम आया था पब्लिश 1901 में, और फिर वही 1900 में आया था हमारा ब्रिटिश में, और 1901 में मींस ठीक एक साल के बाद हमारे इंडिया में फिर आ गया, 1901 से फिर कॉलोनियल एडेंडम स्टार्ट हो गया। फिर हमारा देश, गांधी जी बहुत लड़े, बहुत मेहनत किए, और चाचा नेहरू हमारे, भगत सिंह, फिर उसके बाद हमारा देश आज़ादी की ओर बढ़ा, और 1946 में मींस आज़ादी से एक साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इशू की एक लिस्ट, जिसको इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट कहा जाता है, ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट कहा जाता है 1946 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लिस्ट जारी किया, एक नया लिस्ट निकाला जिसको इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट कहा जाता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकाले तो इंडियन आ गया, लिस्ट है तो लिस्ट है, किसके बारे में निकाला, तो फार्माकोपिया, तो इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट हो गया, ठीक है। इसके कमेटी बैठा गया, चेयरमैन कौन थे, आर एन चोपड़ा सर जो थे इसके चेयरमैन थे, जो 1946 में इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट बनाया गया उसका चेयरमैन सर आर एन चोपड़ा थे, जो कि और भी उनके साथ बहुत सारे मेंबर थे, 9 मेंबर्स थे, और ये बनाया कौन था, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि फार्माकोपिया जो है डिजीज से रिलेटेड है, ड्रग्स से रिलेटेड, मीन्स किसके डिपार्टमेंट के अंदर आएगी, तो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर आएगी, तो ये जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर बनाया गया था 1946 में। फिर 1946 में तो बन गया, फिर हमारे थोड़ा सा एक पॉलिटिक्स गड़बड़ाया, एक साल बाद हमारा देश आज़ाद हुआ 47 में आज़ाद होने के बाद 48 में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट एंड इंडियन फार्माकोपियल कमेटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर 1948 में हमारे गवर्नमेंट की आंखें खुली और उन्होंने एक फार्माकोपिया कमेटी का गठन करने का सोचा, मीन्स फार्माकोपिया का कमेटी बनाया जिसका नाम फार्माकोपिया ऑफ इंडिया रखने का सोचा उन्होंने,
और इसका एक टेन्योर रखा, जैसे कि हमारे भी प्रेसिडेंट 5 साल के बाद बदल ही जाते हैं, तो उसी प्रकार फार्माकोपिया ऑफ इंडिया में भी एक टेन्योर रखा जो कि 5 साल के ही थे। 5 साल के बाद ये फार्माकोपिया बार बार अपग्रेड होगी या चेंज होगी। इंडियन फार्माकोपिया कमेटी अंडर द चेयरमैन ऑफ डॉक्टर बी एन घोष पब्लिश। देखिए हमारा जो इंडियन फार्माकोपियर कमेटी में किसके अंदर डॉक्टर, ये इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद कर लीजिएगा। इंडियन फार्माकोपिया कमेटी अंडर चेयरमैन कौन थे इसके, डॉक्टर बी एन घोष थे। डॉक्टर बी एन घोष ने अपना फर्स्ट एडिशन पब्लिश किया, कब किया, 1955 में। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है आज़ादी के बाद से कि फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, तो डेट क्या हो जाएगा 1955, और किसने किया था, तो डॉक्टर बी एन घोष, डॉक्टर बी एन घोष ने किया था इन 1955 फर्स्ट एडिशन ऑफ फार्माकोपिया, ठीक है। ये लिखा गया था हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में, ब्रिटिश फार्माको, ये फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया लिखा गया था इंग्लिश लैंग्वेज में। और जो टाइटल था मोनोग्राफ का, मोनोग्राफ के बारे में मैंने जैसा डिस्कस करा था, मोनोग्राफ का टाइटल था वो लेटिन में था, लेटिन लैंग्वेज थोड़ा सा कट्स इंक्लाइन टाइम की रहती है, वो लैटिन लैंग्वेज में थी। और जो लिखा गया था बस मोनोग्राफ की टाइटल्स थी वो लैटिन में थी, बाकी लिखा कैसा गया था इंग्लिश लैंग्वेज में। और जो फर्स्ट एडिशन जो आई थी 1955 में, अब आती है फर्स्ट एडिशन तो हल्ला हो जाती है सब जगह, तो क्या क्या है भाई उसमें, तो जो हमारे टाइटल्स थे जैसे कि इसके अंदर मोनोग्राफ्स की बात करते हैं, तो 986 मोनोग्राफ एक ही बार, 986 मोनोग्राफ आई थी उसमें, मीन्स टाइटल्स थी इतनी। और सप्लीमेंट थी इस एडिशन का वो 1960 में पब्लिश किया गया। सप्लीमेंट बोले तो मीन्स हम बहुत सारे एक बुक तो तैयार कर लिए लेकिन कुछ चीज़ हम रह गया था जो कि बाद में डिस्कवरी हुआ। तो 1955 में फर्स्ट एडिशन आया डॉक्टर बी एन घोष द्वारा, और हमारा पहला सप्लीमेंट कब आया 1960 में पहला सप्लीमेंट आया। अगर हम आगे बात करते हैं तो आप टोटल हमारे अभी तक 14 एडिशन आ चुके हैं, 14 एडिशन आ चुके हैं। आपको ये लिस्ट बहुत अच्छे से याद करना होगा, फर्स्ट कम से कम नाम आप याद कर लिए कि फर्स्ट एडिशन सेकंड एडिशन ऐसे 14 एडिशन है वो कब कब आए हैं और कितने वॉल्यूम के हैं और किन्होंने लाया था, बस इतना आप याद कर लेना, आप एग्ज़ाम में इसको थोड़ा एलोबोरेट कर दोगे। तो बात करें हम फर्स्ट एडिशन का, तो सप्लीमेंट फर्स्ट एडिशन आया कब था 1955 में, बी एन घोष ने लाया था, बी एन घोष ने लाया था, ठीक है। सेकेंड एडिशन की बात करें तो 1966 में 55-66, ठीक है, 55-66 आया था। फिर थर्ड एडिशन कब आया था 1985 में आया था, 1985 में थर्ड एडिशन हमारा आया था। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट एडिशन 1955, सेकेंड एडिशन 1966, थर्ड एडिशन 1985 जो कि डॉक्टर नित्यानंद लाए थे, थर्ड एडिशन हमारा हो गया 1985, फोर्थ एडिशन 1996 डॉक्टर नित्यानंद ही लाए थे, फिफ्थ एडिशन 2007 डॉक्टर नित्यानंद ही थे, तीन एडिशन डॉक्टर नित्यानंद का था, फर्स्ट एडिशन डॉक्टर बी एन घोष, हमारा जो सिक्स्थ एडिशन है 2010 में आया था, और तो सेवन 2014 में, और एक एट एडिशन है, एट आया था, ये लिख लीजिएगा, एट एडिशन आया था हमारा 2018 में, ठीक है। एट एडिशन कब आया था 2018 में, तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, फर्स्ट एडिशन कब आया हमारा, फर्स्ट एडिशन आया था 1955 में जो डॉक्टर बी एन घोष, सेकेंड एडिशन 55-66, 86-96, 2007, 2007, 2010, 2014, 2018, ठीक है ना। अब बात करते हैं टोटल 14 एडिशन, ठीक है ना, टोटल कितने एडिशन हमारे हुए, टोटल हुए हमारे 14 एडिशन। 14 एडिशन में से अगर बात करते हैं एडिशन वन एडिशन टू दोनों में एक एक वॉल्यूम थे, एक एक वॉल्यूम थे, एडिशन थ्री एडिशन फोर दो दो वॉल्यूम, एडिशन फाइव एडिशन सिक्स में कितने वॉल्यूम थे तीन तीन, एडिशन सेवन एडिशन एट में चार चार वॉल्यूम थे, टोटल एट एडिशन हुए, टोटल एट एडिशन 55-66 ऐसे। तो आई मीन एडिशन वन एडिशन टू के एक एक वॉल्यूम, एडिशन थर्ड एडिशन और फोर्थ एडिशन में दो दो वॉल्यूम, मीन्स दो वॉल्यूम का किताब, तो थर्ड एडिशन में कितने वॉल्यूम आए दो वॉल्यूम आए, फोर्थ एडिशन में कितने वॉल्यूम आए तो दो वॉल्यूम आए, फिफ्थ एडिशन में तीन वॉल्यूम, सिक्स एडिशन में तीन वॉल्यूम, सेवन्थ एडिशन में फोर वॉल्यूम, और एट एडिशन जो हमारा 2018 में आया उसका भी फोर वॉल्यूम है, तो ये याद कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर में, ब्रिटिश, अब बात करते हैं हम ब्रिटिश फार्माकोपिया के, हमारा इंडियन फार्माकोपिया थी वहीं पे, अब ब्रिटिश फार्माकोपिया, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हर एक कंट्री का अपना अपना फार्माकोपिया होती है जो कि जनरल बुक होती है। ब्रिटिश फार्माकोपिया की बात करें तो फर्स्ट एडिशन था जो ब्रिटिश फार्माकोपिया की वो पब्लिश हुई थी 1864 में, 1864 में
पहला जो है एडिशन ब्रिटिश फार्माकोपिया की पब्लिश की गई थी। इसमें दो सेक्शन था, पार्ट वन पार्ट टू। पार्ट वन में था मटेरिया मेडिका, मींस मटेरिया मेडिका एक किताब है जो कि अब मटेरिया मेडिका को फार्माकोग्नेसी कहा गया, जिसमें कि प्लांट से द्वारा जो भी आए हैं हमारे जो केमिकल मिलते हैं प्लांट से जो कि डिजीज़ ठीक करने में हेल्प करती है, पार्ट वन में मेनली उसको रखा गया। और पार्ट टू में प्रिपरेशन के कैसे करेंगे उसको, दवा बनाएंगे कैसे और कंपाउंडिंग कैसे करेंगे, प्रिपरेशन एंड कंपाउंडिंग उसमें क्या क्या ऐड करेंगे और उस दवा को कैसे बनाएंगे, ये पार्ट टू में रखा गया। तो फर्स्ट एडिशन ब्रिटिश फार्माकोपिया कब पब्लिश किया गया ना, 1864 ईस्वी। सेकेंड एडिशन ब्रिटिश फार्माकोपिया 1867, फोर्थ एडिशन 1898, फिफ्थ एडिशन 1914 और इसके बाद एट एडिशन कब आया, 1953 में आए। ये एट एडिशन जो हुआ ना, एट एडिशन में टाइटल जो ड्रग के थे और प्रिपरेशन इंग्लिश में थे, ठीक है। ये सारे सारे जो हमारे एडिशन थे इसके टाइटल्स इंग्लिश में थे जबकि लेटिन में नहीं थे, और हमारे इंडिया में क्या थे, सभी जो थे जो हमारे मोनोग्राफ्स के टाइटल कैसे थे, लेटिन लैंग्वेज में थे और लिखे अंदर कैसे गए थे वो सभी लिखे गए थे इंग्लिश लैंग्वेज में। ये जो है एनुअली पब्लिश किया जाता था, एनुअली बोले तो साल में एक बार, ठीक है ना। ब्रिटिश फार्माकोपिया 2007 में मोनोग्राफ को इंट्रोड्यूस किया गया था, मटेरियल स्पेसिफिक यूज इन प्रिपरेशन, ठीक है। 2007 में मोनोग्राफ्स को ऐड किया गया था जो कि मटेरियल जो भी यूज़ किया जाता है प्रिपरेशन में जो चाइनीज मेडिसिन में जनरली यूज होता था। आगे अगर हम ब्रिटिश फार्माकोपिया की बात करें तो ब्रिटिश फार्माकोपिया 2008 3100 मोनोग्राफ पाए जाते हैं। ब्रिटिश फार्माकोपिया 2008 में 3100 मोनोग्राफ आए जो कि प्रिपरेशन किसे सब्सटेंस को करेंगे कैसे, ये इसके बारे में सब जानकारी दी जाती है, ठीक है। ब्रिटिश फार्माकोपिया 2007 2009 में 6 वॉल्यूम है, ठीक है। ब्रिटिश फार्माकोपिया 2007 2008 और 2009 के 6 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 टू वॉल्यूम 6। वॉल्यूम 2 में क्या थे, मेडिसिनल सब्सटेंस थे, मेडिसिनल सब्सटेंस के बारे में बताया गया कि ये सब्सटेंस है जो मेडिसिन में यूज होते हैं। वॉल्यूम 3 में थे जो कि फॉर्मुलेटर्स का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, उसका फार्मूला क्या होगा, ब्लड से रिलेटेड इसमें कौन सा मेडिसिनल प्रोडक्ट है, इम्यून सिस्टम पे कौन सा हेल्प करेगा, होम्योपैथिक प्रिपरेशन कैसे करेंगे, सर्जिकल मटेरियल क्या क्या है इसमें, ठीक है ना, उस मटेरियल के बारे में हम लोग वॉल्यूम थर्ड में रखा गया। वॉल्यूम फोर्थ की बात करें तो वॉल्यूम फोर्थ कंटेन करता है सप्लीमेंट्री चैप्टर, जैसे कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करते हैं, तो ये वॉल्यूम फोर में रखा गया जो कि चैप्टर्स एक अलग सा दिया गया लंबा लंबा सा। वॉल्यूम फाइव में जनरली वेटनरियन के बारे में बात किया गया, मीन्स जो कि एनिमल पे कौन सा ड्रग यूज होगा उसके बारे में बात किया गया। करेंट एडिशन जो ब्रिटिश फार्माकोपिया 2010 का, वो प्रोसेस में चल रहा है, अभी आने वाला। ये देख सकते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया कैसे दिखाई पड़ती है, ये है ब्रिटिश फार्माकोपिया 2007 2008 2009, ये ब्रिटिश फार्माकोपिया का किताब है। और ऐसे ही इंडियन फार्माकोपिया का भी बुक आती है, आप अपनी लाइब्रेरी में देख सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया की, तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन जो था वो 15 दिसंबर 1820 में आया था। 15 दिसंबर को आया था, अगस्त को नहीं, 15 दिसंबर 1820 को आया था। ये लैटिन और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आया था, ठीक है। और 1820 से 1942 के बीच में ये जो है 10-10 ईयर के इंटरवल, जैसे 1820 में आया, फिर 1830 में आएगा, फिर 1840 में आएगा, 10-10 साल के इंटरवल पे ये आया था, हमेशा अपडेट होते रहता है। और 1942 से 200 के बीच, अगर 1942 से 2000 मीन्स 1942 से 2000 के बीच इसका इंटरवल जो है 5 साल हो गया, मीन्स 5 साल के इंटरवल पे ये आने लगा। 1942 है तो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम भी आया था यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का एक। 2002 से ये एनुअली, ठीक है, 2002 से ये एनुअली मीन्स साल में एक बार पब्लिश होने लगा। फर्स्ट नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट अपीयर्ड इन 1888, ठीक है ना। फर्स्ट नेशनल फॉर्मुलरी बोले तो जैसे कि हमारा इंडियन फार्माकोपियल कमीशन IPC का गठन हुआ था, उसी प्रकार यहाँ फर्स्ट नेशनल फॉर्मुलरी यूनाइटेड स्टेट का अपीयर कब हुआ, 1888 में, जिसके में एट सप्लीमेंट्स थे, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये लाइन आपके लिए। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया की और बात करें तो फर्स्ट सप्लीमेंट जनवरी 1995 में, ये फर्स्ट सप्लीमेंट पास किया गया था कब, जनवरी 1995 में, और लास्ट इन और 1999 मीन्स मई 1999।
यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में होता क्या है, तो ये कंटेन करता है साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर ड्रग, मींस ड्रग का क्या स्टैंडर्ड है, मींस ड्रग के बारे में सारी चीज, कब कैसे यूज करना है, डाइट सब्सटेंस क्या होना चाहिए, अगर हम कोई ड्रग ले रहे हैं तो कौन सा डाइट खाएं ताकि रिएक्ट ना करें, और मींस जल्दी से हमारा डिजीज ठीक हो जाए, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या है, ये जो डोजेस फॉर्म होगा उसमें क्या क्या एक्सपेंट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अंदर 4100 मोनोग्राफ ऐड किया गया और 200 जनरल चैप्टर्स, 200 जनरल चैप्टर्स में छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं जो कि चैप्टर्स के रूप में मेंशन किए गए। अगर हम यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को देखें तो ऐसी दिखाई पड़ती है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया हमारी, नेशनल एनएफ मीन्स यहाँ पर नेशनल फार्मूलरी हुआ। अगर हम एक्स्ट्रा फार्माकोपिया का बात करें तो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया जो है वो फर्स्ट प्रोड्यूस किया गया था 1833 में, 1883 में एक्स्ट्रा फार्माकोपिया को पब्लिश किया गया था, और किसने किया था, विलियम मार्टिंडल, विलियम मार्टिंडल ने किया गया, इसीलिए इसको मार्टिंडल भी कहा जाता है, मार्टिंडल फार्माकोपिया भी कहा जाता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया को मार्टिंडल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था, विलियम मार्टिंडल के द्वारा, तो उन्होंने साइंटिस्ट अपने ही नाम पर एक्स्ट्रा फार्माकोपिया का नाम भी रख दिया। और ये पब्लिश कौन सा, रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, रॉयल फैमिली के बारे में तो सभी जानते ही होंगे, रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी जो थे ग्रेट ब्रिटेन के, उसके द्वारा पब्लिश करा गया। टर्म एक्स्ट्रा फार्माकोपिया इसलिए रखा गया क्योंकि जो बुक है हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया, उसके बारे में जो हमारे, ठीक है, जो ड्रग ब्रिटिश फार्माकोपिया में पाए जाते हैं उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा जो फार्माकोपिया जिसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो उसको एक्स्ट्रा फार्माकोपिया में रखा गया, मार्टिंडल में रखा गया। और एक एक्स्ट्रा फार्माकोपिया इसको और भी इंटरनेशनल में बहुत यूज होता है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। अगर आप यहाँ से अगर माइग्रेट करते हैं, अगर अमेरिका, अगर यहाँ का जैसे इंडिया में रह रहा है और वो अमेरिका में जाकर चेकअप करवाता है तो कौन सा फार्माकोपिया यूज़ करेंगे, इंडियन फार्माकोपिया यूज़ करेंगे या US फार्माकोपिया यूज़ करेगा डॉक्टर जो वहाँ पे ट्रीट कर रहा है मेडिसिन लिखने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इसका आंसर मैं अगले लेक्चर में दूंगा। तो देखने के लिए थैंक यू। अगर इससे रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उससे आप ज्वाइन करें और भी अपने दोस्तों को बताएं इसके बारे में, काफ़ी बेनिफिशियल है। धन्यवाद।